Hello, good morning to all. So let's continue the remaining part of our chapter, that is chapter number 11. The name of our chapter is In the Orchard, from standard 4th, subject environment. So in our last chapter we have learned about orchard and different types of flowers, uses of flowers, and about roots of trees. Okay, this much we have already learned. Now all of you open page number 87. Ratan would have many questions about plants now. Now, अभी रतन ने इतना सब देखा, इतने सारे flowers, इतने सारे plants, उन सब के बारे में देखा, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत जाना. तो अब उसे और questions उसके mind में आ रहे हैं. Like, she saw the plants growing out from the wall of school. She was surprised. She thought. देखो इन दिस पिक्चर एक प्लांट है, वो जो है वो वॉल से निकल रहा है, दीवार में से उगा हुआ है वो प्लांट. आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे कि बहुत सारे पुराने घर वगैरह होते हैं, या कोई आपके टंकी के पास जो दीवार होती है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पीपल के ट्रीज वगैरह जो है वो उग जाते हैं अपने आप. तो वो सब प्लांट्स देख के उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ डीप द रूट ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो. वो सोच रही है कि ये ट्री तो कहाँ पे उगा है दीवार में, तो इसके रूट्स कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि बाकी जो ट्रीज होते हैं जो सॉइल में उगते हैं उनके रूट्स कहाँ जाते हैं, डीप इन द सॉइल. ओके, लेकिन ये जो ट्रीज वॉल में उगे इनके रूट्स कहाँ पे जाएंगे, वैसा वो सोच रही है. तो उनके रूट्स कहाँ जाते हैं, जो कोई भी घर होता है तो वो किससे बना होता है, ब्रिक्स से, राइट, ऐसे. Like this. तो जो ट्री ग्रो हो रहा है इधर दीवार के बीच में, मान लो यहाँ पे एक पीपल का ट्री ग्रो किया है, ठीक है, तो इसके रूट्स कहाँ जाते हैं, जो ब्रिक्स के बीच में जो जगह होती है ना वहाँ पे इसके रूट्स जाएंगे, ठीक है, जो ब्रिक्स के बीच में थोड़ी बहुत सीमेंट और सैंड को मिला के जो घर बनाया होता है उसमें जहाँ पे सैंड वगैरह भरी होती है वहाँ पे इसके रूट्स जाएंगे. सो लेट्स राइट द आंसर. पेज नंबर 87. Answer. The roots of this plant go into the hollow place between bricks. bricks के बीच में जो hollow place होती है, मतलब खाली जगह होती है, वहाँ पे जाते हैं. Okay? They cannot go very deep. वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकते, वो बस उनकी रूट्स बहुत छोटी छोटी होती है, वो प्लांट्स भी बहुत छोटे होते हैं. वो पीपल का जो प्लांट है वो बड़े होकर ट्री नहीं बन सकता है, वो वहीं पे थोड़े दिनों के बाद सूख जाएगा, राइट. नेक्स्ट, हाउ विल द रूट गेट्स वाटर. अब इसके रूट्स जो है उन्हें पानी कैसे मिलता होगा, जो प्लांट्स वॉल पे ग्रो हो रहे हैं उनको पानी कैसे मिलता होगा. तो जब बारिश वगैरह आती है तब क्या होता है कि बारिश जो है वो वॉल्स पे भी गिरती है, दीवारों पे भी गिरेगी, तो जो वॉल्स होते हैं वो उन पानी को, जैसे सॉइल कैसे पानी को सोखती है वैसे जो बाहर आपके घर की बाहर के साइड की जो दीवार्स होती है वो पानी को थोड़ा बहुत सोख लेती है, उनके बीच में जो जगह होती है
ये पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे जो है वाटर प्लेस ले लेता है, जगह ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बारिश आती है तो आपके घर की दीवारों से पानी टपकता है। क्यों टपकता है? क्योंकि वहाँ पे उतनी जगह होती है जिसके वजह से पानी अंदर उतर जाता है। वैसे ही जब दीवारों पे पानी गिरता है तो उनमें से बहुत सारी दीवार ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी अंदर अपनी जगह बना के घुस सकता है, तो फिर वहाँ से वो पानी को मॉइस्चर बन जाता है और फिर उस मॉइस्चर को ये जो प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं वो धीरे धीरे चूसते रहते हैं। लेकिन जब ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तब ये प्लांट अपने आप ड्राई हो जाते हैं और सूख जाते हैं। ओके, when it rains during the monsoon the walls also gets wet. The root of the plants get water from such moisture. Okay, now turn the page, look at page number 82. Here some more questions are there, like how big this plant be. ये जो plant है अभी छोटा सा पेड़ है grow किया है, मान लो आपने देखा है कि कोई छोटा सा tree जो है plant जो है वो wall पे grow किया, तो वो कितना बड़ा होगा? तो मैंने आपको बताया कि जब तक उन वॉल्स पे मॉइस्चर होगा तब तक रूट्स जो है उस मॉइस्चर को चूस के प्लांट्स तक लीव्स तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तब प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए वाटर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वो प्लांट्स जो है वो अपने आप ड्राई हो जाएंगे। ओके, सूख जाएंगे। इसलिए वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। दिस प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल दे ग्रो एज लॉन्ग एज there is moisture in the walls. Their roots get water and their roots get water. After that, these plants dried up. उसके बाद ये जो plants होते हैं वो सूख जाएंगे, right? What would happen on this wall? अब इस वॉल में प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो क्या होता है कि उनके जो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स जो होती है उनके बीच में जगह होती है और वहाँ पे उनके रूट्स जाते हैं, तो अब ये वॉल के साथ क्या होगा, वॉल का क्या होगा? तो जो वॉल होती है उनके बीच में जो जगह होती है ब्रिक्स के बीच में, उनके बीच में रूट्स जाते हैं और ये रूट्स मॉइस्चर को चूस के सोख के क्या होते हैं, ये बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है वैसे उनके रूट्स भी बड़े होते हैं,
फिर ये क्या करने लगते हैं, ब्रिक्स के बीच में जगह बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है, और उसके वजह से क्या होगा कि जो वॉल होती है वो एकदम वीक हो जाएगी। ओके, सच तो सच वॉल्स बिकेम कम वीक ड्यू इन अ लॉन्ग रन, ज़्यादा समय के बाद ये जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। ओके, नाउ कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर? नाउ यहाँ पे जो आपको पिक्चर दी हुई है, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? तो यस, ज़्यादातर जो वॉल्स होती है वहाँ पे कौन सा ट्री ग्रो होता है? पीपल का। ओके, राइट फास्ट। नाउ लुक बिलो, हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम अ क्रैक ऑफ वॉल लाइक दिस? वेयर विच क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड, नो द आंसर्स फ्रॉम योर एल्डर्स एंड राइट डाउन। क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे कोई ट्रीज या कोई प्लांट जो है वो वॉल में से उग रहा है? अगर हाँ, इफ योर आंसर इज राइट सॉरी यस, देन राइट फ्रॉम वेयर यू सॉरी फ्रॉम वेयर यू हैव सीन दिस प्लांट्स। ओके, यू हैव सी वेयर यू हैव सीन दिस प्लांट्स, फ्रॉम वेयर दिस प्लांट्स गेट वाटर, ओके एक्सेट्रा। यू कैन आस्क योर एल्डर्स टू। तो आपने अगर कभी ऐसा प्लांट्स देखे होंगे ग्रो होते हुए वॉल्स पे, तो आपने देखा होगा कि आपके आजू बाजू में कोई पुराना घर होता है या पानी की टंकी जहाँ पे होती है छत के पास, उसके पास वाली जो वॉल होती है, हो सकता है कि वहाँ पे भी कभी कभार ऐसे छोटे छोटे ट्रीज ग्रो हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है इसलिए। और जो पुराने घर होते हैं उनकी ब्रिक्स जो होती है, उनके जो जिस पत्थर से या ब्रिक्स से जो घर बनाया है उनके बीच में स्पेस आ गया होता है, वो घर पुराना हो गया होता है, इसलिए उनके बीच में उनके रूट्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पे वो ट्रीज ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओके, यस, देयर इज अ ओल्ड हाउस नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पुराना घर है। देयर अ प्लांट, देयर इज अ प्लांट इज अ प्लांट ग्रोइंग इन अ क्रैक वॉल, वहाँ पे क्रैक वॉल में एक प्लांट्स ग्रो हो रहा है। अब विच क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड, ये प्लांट को देख के आपको क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में? तो अगर कभी आपने प्लांट्स को देखा होगा तो आपको ऐसा सोचते होंगे कि ये प्लांट्स जो है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं सॉइल में, तो ये वॉल पे कैसे ग्रो हो गया, और अगर वॉल पे चलो ग्रो हो भी गया तो इसको पानी वगैरह कहाँ से मिलता होगा, किसने इसे उगाया, ऐसे सब क्वेश्चन सबके दिमाग में आते होंगे ना, राइट? सो लेट्स राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्वेश्चंस अराइज इन माय माइंड, इन माई माइंड अराइज मतलब आना, उगना। तो फर्स्ट वन, हाउ कैन दिस प्लांट, दिस प्लांट ग्रो हियर, ये प्लांट यहाँ पे कैसे उग सकता है? नेक्स्ट, डज दिस प्लांट बेयर
फ्लावर्स, क्या इस प्लांट में कोई फ्लावर आते हैं? नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर दिस प्लांट, फ्रॉम वेयर दिस प्लांट्स, दिस प्लांट्स गेट्स वाटर, इस प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा? नेक्स्ट, रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ द फील्ड। रतन ने देखा कि जो उनकी फील्ड थी, खेत था जो उनका, वहाँ पे किनारे में एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ जो है वो गिर गया था। रिकॉल्ड द नीम ट्री ऑफ हर स्कूल, उसे देख के उसे अपने स्कूल के पास जो एक नीम ट्री थी उसकी याद आई। सी कैन सी द डैमेज रूट ऑफ दैट ट्री, और ये जो ट्री गिरा हुआ था उसे क्या थे, रूट्स जो थे वो डैमेज हो गए थे, एकदम खराब हो गए थे। सी थॉट, और उसे सोचती है, हैज समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इटसेल्फ, क्या इसे किसी ने खींच के निकाल दिया होगा, तोड़ दिया होगा, या फिर ये अपने आप टूट गए, या फिर ये पेड़ अपने आप गिर गया, या फिर किसी ने इसे गिरा दिया, तो क्या होगा कि देखो ये ट्री जो है वो कैसे एकदम रूट्स उसके बाहर आ गए हैं और पेड़ अपने आप गिरा है। ऐसे रूट्स जो हैं उन्हें देख के आपको पता चलता है कि ये जो ट्री है वो अपने आप गिरा होगा जब कभी तेज हवा वगैरह आई होगी या फिर जोर से बारिश आई होगी, राइट। It seems to have fallen. It seems to have fallen. Down due to okay, next. How old this tree be, ये पेड़ जो है वो कितना पुराना हो सकता है? इस पेड़ को देख के आपको क्या लगता है कि ये पेड़ कितना पुराना होगा? तो इसने क्या बताया, देखो क्या बताया, ह्यूज ट्री, ह्यूज ट्री मतलब बहुत बड़ा पेड़, और पेड़ बहुत बड़ा कब बनता है, बहुत मोटा, उसके जो ट्रंक होता है वो बहुत मोटा होता है, और ट्री भी बहुत बड़ा होता है, कब होता है, बहुत सालों की बाद। जो ट्रीज होते हैं उन्हें बढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है। फ्लावर्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं, ओके, जो उनके बर्ड्स होते हैं वो एकदम छोटे होते हैं, लेकिन बर्ड्स में भी फ्लावर बनने में उन्हें 6 से 7 दिन लग जाते हैं, वैसे ही उनको इतने बड़े ट्री बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब ये इतना बड़ा ट्री है तो आप खुद बोल सकते हो कि ये ट्री जो है वो बहुत पुराना है, ओके। द ट्री सीम्स क्वाइट ओल्ड, पेड़ जो है वो हमें बहुत पुराना लग रहा है। Now, how will the tree get water from the between of rocks of at the edge of the field? अब ये ट्री कहाँ पे था, फील्ड के किनारे पे, वहाँ पे तो बहुत सारे पत्थर होते हैं, तो ये जो ट्री इतना बड़ा हुआ इसे पानी कहाँ से मिलता होगा? तो इस जब ट्री इतना बड़ा हुआ तो इसके रूट्स भी बहुत बड़े होंगे, तो देखो इसमें कितने मोटे मोटे रूट्स हैं, तो ये जो रूट्स होते हैं, अगर कोई ट्री है लाइक दिस, इसके रूट्स जो हैं वो बहुत मोटे होते हैं, ऐसे जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है वैसे वैसे इसके रूट्स भी मोटे होते जाते हैं, और फिर उनमें से भी छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, ओके, और फिर ये भी दूर दूर तक पहुंचते हैं, और जहां इनको पानी मिलता है वहां से वो पानी लेते हैं। आपने देखा होगा कोई रेडिस वगैरह देखा होगा, कैसे रहता है, ऐसे होता है ना रेडिस, इसमें छोटे छोटे रूट्स होते हैं, जब आप घर पे आपके फादर या मम्मा वगैरह कोई लेके आता है तो उसमें देखा होगा एकदम पतले पतले बाल की तरह रूट्स होते हैं वाइट कलर के, तो वो क्या है, दैट इज़ नथिंग बट रूट्स, ओके। तो ये ट्री जो इतना बड़ा गिर गया उसे
पानी कहाँ से मिलता होगा पत्थरों के बीच में, तो उसके रूट्स इतने बड़े हो गए होंगे कि वो जो है फील्ड्स में जब पानी डाला जाता होगा तो उसे चूस लेते होंगे। द ट्री मस्ट हैव एक्वायर्ड water from with the help of its root. From deep under the soil. I think this much is enough for today. We will continue in our next lecture. Till then, bye.